सब ठीक ठाक हो जाएगा साहब। ठीक है, पर एक ही घर में दोनों लड़कियों को देने की बात तो इसमें गलत क्या है? एक अच्छे परिवार की दो लड़कियों का एक अच्छे परिवार के दो लड़कों के साथ शादी कराने में क्या हर्ज है? तुम्हारा मतलब वो अच्छा परिवार है? शादी करवाने के लिए लोग हजारों झूठ बोलते हैं, पर मुझे देखिए आज तक मैंने एक भी झूठ नहीं बोला। ऐसा क्या? परिवार हो तो ऐसा हो। उन लड़कों की माँ हमेशा मान मर्यादा में रहती है, उनके पिता इज्जतदार आदमी है, उनके पिता जो भी कहते हैं उनकी माँ हर बात मानती है, उनके पिता कंधे पर तो गमछा रखते हैं पर कमर में बांधे हुए कभी नहीं देखा। ये कौन है भाई, मुझसे जुबान लड़ा रहा है? ये कह रहा है कि एक बहन को दिखाकर दूसरी बहन से शादी करवा दी, कैसे यकीन करूं? नहीं मैम साहब, भगवान की कसम जो लड़की मुझे दिखाई गई थी वो इसकी बहन थी। तुम्हें शादी के दिन भी पता नहीं चला? पहली रात को भी इतने खुश थे कि पता नहीं चला तुम्हें? तीन चार दिन तक उसकी बहन के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश की। तुम्हारी शादी में मैंने मंगलसूत्र दिया था, कुछ उल्टा सीधा तुमने किया तो जानते हो ना मैं क्या करूँगी साहब। जी मैडम। अच्छी बात है, मैम साहब नौकर को भी इतनी इज्जत देती हैं। बाहर से आए हो क्या? ये नौकर नहीं उनके पति हैं, राजा साहब इनका नाम है, इसलिए मैम साहब उन्हें इज्जत से साहब बुलाती हैं। ये मीनाक्षी बहन और राजा साहब के तीन लड़के हैं। बड़े लड़के का नाम है पारस पांडे, उम्र है 34 साल। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, तेरा करूँ गिन 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 के इंतजार। ए, 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 क्या? इसे नीचे उतारिए, ताड़ी है। क्या है? क्या हुआ? मुझे पता है, बस नाम के लिए ताड़ी बेचती हो। देर तक रखो तो ताड़ी है, नहीं तो नीरा। मंगलसूत्र पहनाओ तो पत्नी है, वरना रखे तुम मुझे क्या समझते हो? तू मेरे भाई शक्ति के पीछे पड़ी है, मुझे पता है। ए जा रहे। दूसरा लड़का है शक्ति पांडे, उसकी उम्र है 32 साल। लड़का बहुत ही सीधा साधा है। अरे मुझे मत मारो, मत मारो मुझे। हे ब्रदर, अगर औरत को कोई मारे तो उसका जवाब मैं देता हूँ। ए मेरे पति मुझे शराब पी के मार रहे हैं, पर तू क्यों बीच में आ गया? चल जा यहाँ से। मैंने मार खाई, ये सपना था या सच है? अरे ये तो दर्द हो रहा है, मैंने जो मारा था वो सपना था और इस औरत ने जो मुझे मारा वो सच था। शक्ति पांडे। यशोदा तुम क्यों औरतों से इस तरह मार खाते रहते हो? मैं तुम्हारी मालिश कर दूं क्या? ए छोड़ तू, जा यहाँ से, चल भाग। वो तीसरा लड़का सबसे छोटा है ना? तीसरा लड़का छोटा नहीं है, नाम है चिंटू पांडे, लेकिन वो हे भगवान, तुम्हारे पास हजारों काम है, हर कोई तुम्हारे पास आकर नारियल तोड़ता है, पर मैं तुम्हारे सामने फटाके फोड़ता हूँ। फटाके की आवाज सुनकर मुझ पर दया करो प्रभु। अच्छा ये किस कंपनी का एप्लीकेशन है? ये मुस्लिम कंपनी की एप्लीकेशन है। अगर देखा जाए तो मस्जिद में फातिहा पढ़कर भेजना चाहिए, लेकिन मेरे लिए मंदिर मस्जिद सब बराबर है। जो भी हो अच्छा ही होगा, अच्छा हो कि तुम्हें काम मिल जाए, मेरे बेटे को भी काम दिलवा देना। आपका बेटा 10वीं क्लास तक पढ़ा हुआ है ना? मेरा बेटा बहुत तेज है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए भगवान की स्पेशल पूजा करूंगा।
देर से फटा, आपके बेटे की तरह। चोट लग जाएगी। अरे रे रे। अब तो थोड़े से ही बर्तन बचे हुए हैं, इन्हें भी फेंक दोगी क्या? मत फेंको, मत फेंको। ये खाना है, इस गंदे खाने को कौन खाएगा? भिखारी भी नहीं खाएगा। ये कैसा खाना है? एकदम बकवास खाना लग रहा है, अगर इसे कोई खा ले। मैं समझ गई, किसने बनाया ये खाना? खाना बनाने वाली कहाँ है? अरे, मैंने तुमसे शादी की है, इसीलिए मैं तुम्हारी सारी बातें सुन लेता हूँ। नौकरानी तुम्हारी बात नहीं सुनेगी, हटो, हवा आने दो। क्या इस तरह बात कर रहे हो? ऐसी बातें मेरे मुंह से तुमसे परेशान होकर खुद ब खुद निकल जाती हैं। हवा तो यहाँ से भी आ रही है। क्या बकवास कर रहे हो? पहले वाली नौकरानी कम से कम घर में खाना तो अच्छा बना कर देती थी, वो भी तुमसे तंग आकर चली गई। आप अपनी बकवास बंद कीजिए, मुझे एक अच्छी खाना पकाने वाली चाहिए। जब तक आपको वो नहीं मिल जाती, आप इस घर में कदम मत रखिएगा। जाइए। अभी मैं खाना बनाने वाली नौकरानी तुरंत कहाँ से लेकर आ सकता हूँ? कुछ भी बकवास करते रहती है। मैं अपने चिंटू के लिए मना रही हूँ, वरना छोड़ देती। इस उम्र में भी मुझे ये सब करना पड़ेगा। ठंडी ठंडी हवा चली, ला ला ला। कहाँ से घूम के आ रहे हैं आप? घूम कर नहीं आया हूँ, नौकरानी लेकर आया हूँ। इधर आओ। इस नौकरानी को ढूंढने के लिए मैंने कितने मोहल्लों की खाक छानी है तुम्हें पता नहीं है। देखो कितनी सुंदर है ना। इससे पहले कहाँ काम करती थी? एक बड़े जमींदार के पास। जमींदार? तो फिर पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। मुझे नहीं जानती, मैंने सारी बातें कर ली है। 3 वक्त का पेट भर के खाना, साल में 2 साड़ी और 1,000 रुपए पगार। घर कहाँ है तुम्हारा? पीछे वाले बड़े बंगले के पास। ठीक है ठीक है, मसाला पीसो। आओ आओ। ये हंस क्यों रही है? शायद मसाला पीसने में मजा आ रहा होगा, इसीलिए हंस रही है। हंसो हंसो। ये मुझे मसाला पीसने के लिए कहा? अभी कहा? अरे सुनिए, क्या कर रही हो? मसाला पीसना है तुम्हें? मुझे नहीं। अरे कहाँ जा रहे हो आप? क्या देख रहे हैं? एक खाना पकाने वाली भी नहीं ला सकते? हमारे घर पर कोई भी नौकरानी टिकती नहीं है तो मैं क्या करूं? ऊपर से लड़कों की उम्र भी बढ़ती जा रही है, अगर हम अच्छा घर देखकर इनकी शादी करवा दें तो बहुएं आकर घर तो संभाल लेंगी। ठीक है, मैं अपनी कंडीशन बता देती हूँ। रुतबा, जात पात, कुल, गोत्र सब जरूरी है, समझे? इन दोनों बेवकूफों ने पढ़ाई नहीं की है। तुमने जो कंडीशन लगाई है उस पर कोई भी लड़की देने के लिए तैयार नहीं होगा। मैंने पंडित से बात की है, देखते हैं। लड़की देखने में एकदम गोरी होनी चाहिए, गुलाबी गालों वाली। सुनिए, आप लड़की इसके भाइयों के लिए ढूंढ रहे हैं ना? नहीं तो क्या, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ। ब्रोकर भैया, क्या हमारे लिए सुंदर लड़कियाँ चाहिए? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, लड़की आपकी माँ की तरह बिल्कुल सुंदर होगी। क्या कहा, मेरी पत्नी की तरह सुंदर होगी? चलो हम लोग घर चलते हैं। अरे दोनों लड़कियाँ टमाटर जैसी हैं। कच्चा या पका वाला? पहली वाली थोड़ी कच्ची है, दूसरी वाली पकी हुई है क्या? दूसरी वाली एकदम पकी हुई है। देखो भाई, टमाटर कच्चा हो या पका हो, स्वाद अच्छा होना चाहिए बस। ए ब्रोकर, तुमने तो टमाटर की बात की थी, यहाँ तो बैंगन आ गया। अरे उसकी माँ है। हाँ? माँ है, माँ। माँ भी खराब नहीं है। आपकी पत्नी देखने नहीं आई? पहले हम लोग उसे देखकर पसंद कर लेंगे, वो बाद में आकर देख लेगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा, लड़की को बुलाइए। आओ बेटी, बाहर आओ। मैं कहाँ हूँ? वहीं जहाँ पहले थे। बेटी रुक्मिणी, बाहर आओ। थोड़ी देर पहले ही अंधेरा हो गया था ना। डननम 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 डननम। लड़का वो नहीं है बेटी, ये दोनों हैं। डननम डा। हाँ
पिताजी क्या है कि अब हम लोग नाश्ता करते हैं। पिताजी आप जरा यहाँ आइए। क्या हुआ? अबे ये ले लूँ क्या? आपको बहू पसंद आ गई ना? मुझे तो उसकी माँ पसंद आई। पिताजी ठीक है, इन दोनों से पूछते हैं कौन सी पसंद आई। मुझे तो देखने में वो दूसरी वाली अच्छी लगी। मुझे तो दूसरी वाली पसंद आई। तू मेरी लाइन को क्रॉस मत कर। सुनो भाई, तुम पहली वाली से शादी कर लो। नहीं नहीं, मैं दूसरी से करूंगा। दूसरी वाली से मैं शादी करूंगा? नहीं मैं करूंगा। पहली वाली, दूसरी, पहली वाली, दूसरी, पहली वाली। अरे भाई गिर गया, दूसरी वाली मेरी हुई। तुम्हारी लाइन क्लियर, बहुत बढ़िया। क्यों बेटी, दोनों लड़के पसंद आए ना? क्यों बेटी, अपनी पसंद बताओ ना। वो दोनों लड़के हमें पसंद नहीं है, तीसरे से शादी कर रहा है। ए हटो हटो, सामने से हटो। ये ब्रेक नहीं है वाला नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। किसका ट्रैक्टर लेके आई हो? चलो उतरो। उतरती हूँ ना। चिंटू, अरे हाथ रखने दो ना। कितने दिन हो गए तुम्हें देखे, तुम तो भूल ही गए मुझे है ना? अरे कुछ तो बोलो। वो केले का फूल। चलो उतरो। चिंटू मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, तुम उतार दो ना। कहाँ आके फंस गया, पकड़ो। उतरो चलो। हाथो हाथो आओ नीचे। ऐसे नहीं, ऐसे उतारो। आओ आओ चिंटू, उसे तोड़ो ना चिंटू। पर यहाँ कोई सीढ़ी नहीं है। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे उठा लो, मैं तोड़ लूंगी। अरे तुम्हारा वजन बहुत ज्यादा हो गया। तुम्हारे लिए ज्यादा नहीं है, चलो उठाओ ना। अच्छा है ना? कैसा लगा ये? अच्छा है। क्या देख रहे हो, बचपन में भी तो हम लोग इसी तरह से करते थे ना, तुम्हें याद नहीं? तुम तो जानती हो मैं भुलक्कड़ हूँ। सब भूल गए तुम? वो सब किए काफी दिन हो गए, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है। अब चलो। जो उधार लिया था वो भी भूल गए? मैंने तुमसे उधार लिया था? ये उधार है क्या? देखो मेरा उधार तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। ये खेल मेरे साथ नहीं चलेगा। ए चिंटू पांडे, अरे नाम से पुकारे इसलिए देख रहे हो? अरे प्यार से, अरे अभी तो भाग रहे हो, कल जब मंदिर में आओगे ना तब बताती हूँ तुम्हें। क्या देखते हो सूरत तुम्हारी, क्या चाहते हो ना जो। चुप रह, चुप। नहाने आया होगा तो चुपचाप नहा नहीं सकते? मुझे जलासन भी नहीं करने दे रहे हो तुम लोग। हाँ भाई इन्हें जलासन करने दो। ये पानी नीचे से गरम गरम क्यों लग रहा है, क्या कर रहे हो? उधर जाओ। मैंने नहीं किया, भाई ने किया है। मैंने भी नहीं। क्यों रे, तुम दोनों नहीं कर रहे हो तो कौन कर रहा होगा? आप भी तो हो सकते हो। करेक्ट। आप भी कितने कबूल कर लिया ना। तुम सब लोग मिलकर यहाँ पर भैंस की तरह क्यों नहा रहे हो? तू क्यों आया है? अच्छा पिताजी मेरा लेटर आया था, वो कहाँ है? लेटर? कैसा लेटर? यशोदा के घर जाते समय पोस्टमैन ने आपको दिया था ना। आप यशोदा के घर क्यों गए थे? वो काजू मांग रही थी, मैंने 1 किलो दे दिया है। हाँ तो फिर वो लेटर है कहाँ? वो तो अंडरवियर में रखा है। किस अंडरवियर में? अरे भाई इनके पास क्या 5-6 अंडरवियर हैं? इनके पास एक ही अंडरवियर है जिसे पहनकर ये नहा रहे हैं। क्या, तैर कर जरा इधर आओ। उसकी जरूरत नहीं है। जल्दी आओ, जल्दी चलो। आओ आओ आओ, अंडरवियर उतारो। अरे बाप रे, अंडरवियर उतारूंगा तो मैं तो। अच्छा मत उतारो लेकिन पीछे तो घूमो। अरे रुकिए, अरे रुकिए। केरले सा मेरे दोस्त ने लेटर भेजा और तुमने गीला कर दिया। हटा तो नहीं है ना?
इनको फिर से वहाँ पानी में लेकर जाओ। वहाँ ले जाके पैर से पत्थर बांध के अभी जल समाधि दे देते हैं। अरे बापियो, तुम लोग कैसी औलाद हो? अरे आप ही की औलाद है। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें वहाँ कोई काम मिलता हो तो केरला जाने में कोई हर्ज नहीं है, पर तुम वहाँ जाकर करोगे क्या? क्यों बेटा, केरल से लोग बाहर जाकर काम करते हैं और तुम केरल में जाकर काम करने की बात कर रहे हो? लेटर भेजने वाला मेरा खास दोस्त है, वो मुझे काम दिलवाकर ही रहेगा, इसलिए बुलाया है। पढ़कर ये गांव में क्या करेगा, इसे काम पर भेजिए आंटी, मेरी बात मानिए। ठीक है बेटी, पर काम मिलने तक क्या मुझे पैसे भेजने पड़ेंगे? हर महीने मनी ऑर्डर नहीं भेजेंगी? आप मुझे भूखा मारना चाहती हैं क्या? ध्यान से सुनो, मैंने बाकी दोनों को नहीं पढ़ाया लेकिन दोनों खेत में काम करके अच्छा कमाते हैं। तुम्हारी पढ़ाई में बहुत खर्चा आया है पर तुमने अभी तक एक पैसा नहीं कमाया, वहाँ जाकर कुछ कमाई करना। बैग नहीं चाहिए क्या? अरे हाँ पकड़िए, भूल गए थे ना आप। सुनिए सर, स्पेशल चाय या प्लेन चाय? प्लेन चाय। ओ, सादा या मसाले वाली? सादा। कप में या ग्लास में? ग्लास में। फुल या कटिंग? कटिंग। ओ, स्ट्रॉन्ग या लाइट? मीडियम। शक्कर या बिना शक्कर? शक्कर। शक्कर ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? ए, एक कटिंग चाय पीने के लिए इतने जवाब देने पड़ेंगे? केरला में आया हूँ, क्रिमिनल मत बनाना। सर गांव के बाहर से है क्या? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी चाय, सुबह सुबह पागल मिल गया। सर क्या बोल रहे हैं आप? तुम्हें पागल बोला। बहुत खुशी हुई। खुशी हुई? ये किससे पाला पड़ गया मेरा, पागल बोलने पर खुश होता है पागल? बहुत अच्छा किया। कब लाश ले जाएंगे, कब जलाएंगे, कब खाएंगे, अभी तक चार बज चुके हैं। उसका बेटा नहीं आता तब तक नहीं होगा। बेटा आने वाला उसका, अब तक कहाँ था? उसका बेटा 10 साल की उम्र में गायब हो गया था, उसको गायब होकर 15 साल हो गए। 10 साल की उम्र में गया था, 15 साल बाद वापस आ रहा है, लोग कैसे पहचानेंगे? 10 साल की उम्र में बहुत छोटा था, पर अब तो वो बड़ा हो गया होगा ना। अब तक तो वो एक गबरू जवान बन गया होगा। सर क्या है? अरे वही चाय वाला। अरे रुको, मैं चलता हूं। क्या बात है? मैं ये पता जानना चाहता हूं। ये पता मैं जानता हूं। हाँ हाँ, हाँ। तो बताओ ये एड्रेस किससे मिलना है, लड़का या लड़की? लड़के से मिलना है। बाप या बेटा? कोई भी हो, तुम्हें क्या करना है, एड्रेस बताओ। हाँ, इस रोड पे जा करके वापस आ जाओ। मैं तमिलनाडु से ही आ रहा हूँ और तुम मुझे कह रहे हो कि तमिलनाडु वापस चले जाओ? नहीं साहब, इस रोड पे जाके, इस रोड पर जाके वापस आ जाना है। वापस आ जाना है। अरे बाप रे, मर गया। अरे क्या कर रहे हो, छोड़ो, मेरे ऊपर नारियल गिर गया। चलो आओ उधर, चलो चलो चलो। अरे क्या कर रहे हो, छोड़ो छोड़ो। अरे भगवान, अरे अरे भैया, मेरे भैया। जीती रहो बहन, जीती रहो भैया। चलो चलो चलो, पहले तो ले जाओ। क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? अरे बैठो बैठो, इसको धोती पहनाओ। अरे कपड़े तो बदलने पड़ेंगे ना भाई। कपड़े क्यों उतार रहे हो? ये खोलो। ये क्या जबरदस्ती धोती पहना दी? अरे लहलाओ इसको, लहलाओ, पानी क्यों डालो? अरे शुद्ध हो जाओगे। और ना, अरे ये सब करना पड़ता है। देखो सुनो, रुको, मुंडन कराना अपने परिवार में नहीं होता है, छोड़ दो इसे। अच्छा हुआ मेरे बाल बच गए। इसके कान छेद दो। मेरा नाम चिंटू पांडे, मैं तमिलनाडु से यहाँ काम की तलाश में आया हूँ और मेरे हाथ में ये पकड़ा दिया। क्या बोले जा रहे हो तुम? सही बोल रहा हूँ भाई। भाई ए जाना,
मुझे यहाँ फंसा दिया गया। मेरे कान में बिना पूछे ये बाली पहना दिए। यहाँ कोई मेरी बात नहीं समझता, लेकिन आप तो समझते हैं ना। मैं तमिलनाडु से यहाँ आया हूँ, ये केरला में रहता है, मैं इसका बेटा कैसे हो सकता हूँ? मैं जानता हूँ तुम तमिलियन हो ना। एक बात तो समझ में आ गई, यहाँ कोई मेरी मदद नहीं करेगा। रुक जाओ, मैं हूँ उनका बेटा। अरे तो ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। लो पकड़ो, तुम ये काम करो, मैं चलता हूँ। अरे बाप रे, मर गया फिर वही चाय वाला। अरे कहाँ जा रहे हो भाई? अरे मैं भी तमिलियन हूँ, मुझे देखकर भाग क्यों रहे हो? एड्रेस देखकर मैं समझ गया था कि तुम यहाँ पे जरूर आओगे। क्या हुआ, ये लोग हंस क्यों रही हैं? ये तो रास्ते में किसी ने जबरदस्ती पहना दिए। स्वामीनारायण यही रहता है ना, जरा बुलाइए उसे। वो यही रहते हैं पर कुछ काम से मुंबई गए हुए हैं, आने में 2-3 महीने लगेंगे। क्या कहा, वो नहीं है? उसी के भरोसे तो मैं यहाँ पर आया हूँ। तुम्हें यहाँ पे कोई और पहचानता है क्या? यहाँ पर तो पहचान वाले सिर्फ आप ही हैं। अच्छा, अंदर आपकी पत्नी और बच्चे हैं ना? स्वामीनाथ को अपना दोस्त कहते हो तो फिर मना कैसे करें हम? और फिर गांव में नए भी हो। अच्छा एक काम करो, उनके कमरे में रुक जाओ। वो आके भगाएंगे क्या? अरे वो सब बाद में सोचेंगे। आपने ये आम गिन के रखे ना? अरे मेरा तो यही काम है। 1-2 अरे अरे रे, मेरा गमछा पता नहीं कहाँ चला गया। आपकी परेशानी क्या है? कब से तालाब के अंदर ही है, बाहर क्यों नहीं आ रहे? तो मैं क्या करूँ, मेरा गमछा पता नहीं कहाँ चला गया। सामने आपके लुंगी पड़ी है, जरा फेंक दीजिए। ओह लुंगी, अच्छी लुंगी है, मैं चलती हूँ। अरे 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 बहन जी, मेरी एकदम नई लुंगी थी, आज ही मैंने निकाली थी पहनने के लिए और ये लेकर चली गई, अब क्या करूं? तुम्हें भी लुंगी चाहिए क्या? मेरे पास अब कुछ नहीं है, जाओ। यहाँ वाह। अरे तुम समझती क्यों नहीं हो, मैं बाहर नहीं आ सकता, जाओ। ये क्या है, तुम्हारी तकलीफ देखकर तुम्हें बुला रहे हैं, तुम मना कर रहे हो, कैसा आदमी बा। क्या करूं, वो बहन जी मेरे सारे कपड़े लेकर चली गई। अरे कोनो बात ना, यहाँ आवा। समझती नहीं है कैसे आओ, तुम्हारे पास अकल है कि नहीं? मैं जो गमछा पहन के आया था वो पानी में बह गया, अब तुम अपना अगर दुपट्टा मुझे दे दो तो मैं उसे पहनकर बाहर आ जाऊं। अरे बाबा, हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान। ठीक है ठीक है, ये कौन है, जहाँ देखो वहाँ भगवान काम आ जाता है। इला। हाँ दो, धन्यवाद। ओहो गाड़ी फंस गई इसलिए बुलाया। तुम भी बाहर से आई हो? हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, चलो अब एक छोड़ो। सर क्या है, हाथ हटाओ हाथ हटाओ, बात क्या है बोलो। चाय वाले नारायण ने भेजा है। ओ तमिलनाडु से आए हो? एक ट्रक ड्राइवर की नौकरी खाली है, मैं तुम्हें उसी नौकरी पर लगा देता हूँ। पहले तुमने कहाँ तक पढ़ाई की? सबसे पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा। मुझसे मजाक करते हो, तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, जाओ। सर 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 क्यों सर, इसे काम दे दिया ना। नहीं इसे काम नहीं मिलेगा। अरे तुम भी यार, एमपी सुंदरम के राइट हैंड हो, बताना था ना, और उन्होंने ही भेजा है, क्यों नहीं बताया भाई? मैं उनका राइट हैंड हूँ ये बोलने की जरूरत नहीं। अभी तुमने क्या कहा, सुंदरम एमपी के है भाई? राइट हैंड, समझा क्या मुझे? एक ही थाली में खाना खाया है, बताने की जरूरत है क्या? हाथ मिलाइए सर, हाथ मिलाइए, हाथ मिलाइए, बैठिए बैठिए। आप भी बैठिए। भाई आप सुंदरम एमपी से कहकर मेरा एक छोटा सा काम करवा देंगे क्या? चिंता मत कीजिए, मैं अगर उनसे कहूंगा तो वो मेरी बात काटेंगे नहीं, काम हो जाएगा, पर इसके बदले ये करना है ये मैं नहीं कहूंगा। क्या कहते हो, ये काम तो आपकी मेहनत और ईमानदारी का फल है। तो भाई की नौकरी पक्की हो गई। you
इधर आ। क्यों रे, कल तूने ही पल्लवी को छेड़ा था ना? मेनन के आदमी है भाई, चलो चलो यहां से। बता, तूने ही पल्लवी को छेड़ा था ना? नाउ मुझे माफ कर दीजिए साहब जी, मुझे माफ कर दीजिए। क्या तू आज के बाद पल्लवी को छेड़ेगा? नहीं नहीं, कभी नहीं छेड़ूंगा। चल जा। इसे मारते वक्त वहाँ पर एक आदमी था जिसने इसका सपोर्ट किया था, उसे भी मार दे क्या? कौन है वो? नहीं नहीं मालिक, यहाँ कोई आपकी खिलाफत कर सकता है क्या? ध्यान रहे। ए, चलो। क्या बात है, वो लोग उस लड़के को मार क्यों रहे थे? उसने क्या कोई गलत काम कर दिया था? मेनन के पास हीरा है, उस हीरे की कीमत कोई नहीं दे सकता। क्या कहा, हीरा? हाँ, हीरे जैसी उसकी इकलौती बेटी। भाई यहाँ चिंटू पांडे कौन है? भाई आप ही चिंटू पांडे हैं? हाँ भाई। इतने प्यार से तमिलनाडु के लोग ही बोल सकते हैं, तभी मैं कहूँ, मैं भी वही कहूँ। तो अपना गाँव छोड़ के यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत लंबी कहानी है भाई, फिर कभी बताऊंगा। आपका मनी ऑर्डर आया है, ये लीजिए, यहाँ पर अपना साइन कर दीजिए। इसमें कुछ लिखा हुआ है, पढ़कर देख लीजिए। दिखा दी ना तूने अपनी औकात, मेरा पैसा कहाँ है? क्या है ना भाई कि मुझे जरूरत थी, इसीलिए खर्च हो गए। खर्चा हो गया? इससे पहले कि मेरा हाथ उठे मेरे पैसे लौटा दो। भाई मैं बहुत ईमानदार हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ, पर दूसरों की चीजों पर लालसा रखता हूँ, इसलिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरे पैसे दो बस। इस कागज पर आपने दस्तखत कर दी है, कानूनी तौर पर आप मुझसे पैसे ले चुके हैं। अच्छा, एक आंख पहले से टेढ़ी है, दूसरी टेढ़ी होने से पहले पैसे निकालो। भाई आप तो धमकी देने लगे, आपका 1,000 रुपया आया था, उसमें से मैंने 200 रुपया खर्च कर दिए, मैं वापस कर दूंगा। अगर वापस नहीं कर सका तो आप जैसे 4 लोगों के मनी ऑर्डर से निकाल कर दे दूंगा। आपने पूछा था ना कि मैं तमिलनाडु का आदमी केरला में आकर नौकरी क्यों कर रहा हूं? नहीं नहीं, मैं समझ गया, जाओ आप। केरला में आकर भी नहीं सुधरा। माँ, क्या हुआ? ए, माँ, क्या हुआ इसे? बहुत दर्द हो रहा है माँ। बस बस थोड़ी देर, क्या हो रहा है बेटा? माँ बहुत दर्द हो रहा है माँ। शांति रखो माँ, सब ठीक हो जाएगा। हे भगवान, सब ठीक हो जाएगा। माँ क्या तो कीजिए माँ, क्या हुआ माँ? कोई जाकर पानी लेकर आ, कोई जाकर पानी लेकर आइए। मुझे मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ। चिंता मत कीजिए। हे भगवान, हे भगवान, मैं क्या करूँ? क्या करूँ? आ आ आ नहीं नहीं ये क्या, ये औरत दर्द से तड़प रही है और आपने उठा लिया? बस करो। देखो, तुम मेनन की बेटी होगी, लेकिन इसने उसकी मदद की तो ठीक ही किया, मैंने अपनी आंखों से देखा है।
तुम्हें पता है क्या हुआ था? पेट से बच्चा उसकी छाती पे आ गया था। अगर ये उसे ऐसे नहीं उठाता तो माँ बच्चा दोनों मर जाते। पहले कैसे तड़प रही थी, लेकिन अब देखो। क्या है पल्लवी, बताओ क्या हो गया? पिताजी, ये औरत दर्द से तड़प रही थी, इस आदमी ने उसे पकड़कर उठा लिया, इसलिए मैंने थप्पड़ मारा, मुझसे गलती हो गई। अरे रे, तुमने ये गलत किया है, बिना सोचे समझे इसे मार दिया, इसने जो किया वो सही किया। तुम कहाँ से हो? तमिलनाडु। क्यों रे नारायण? भाई ने इस औरत की मदद की। कहानी मत सुनाओ, आओ आओ बेटी। सुनो, उसने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? लड़की है भाई। अच्छा, इसीलिए छोड़ दिया। भाई, मेनन के पास एक कीमती हीरा है, मैंने बताया था ना, ये वही लड़की है। इस लड़की को मैंने कहीं देखा है, ये गाड़ी चलाती है ना? तुमने सपने में देखा था क्या? हाँ भाई। भाई, मैंने देखा, वो लड़की तुम्हें देखकर हंस रही थी और तुम भी उसे तिरछी निगाह से देख रहे थे। समझा देता हूँ मैं, यहाँ आकर प्यार व्यार में मत फंसना तुम, वो वेंकट मेनन खतरनाक आदमी है। वेंकट से मुझे डर नहीं लगता है, लेकिन प्यार में नहीं फंसूंगा। वैसे लड़की सुंदर है। भागो भागो जल्दी, चलो। ए, नीचे उतारो, पल्लवी के पिता का पार्सल है, उन्हें बुलाइए। हे, मेरे सांप का एक नाम भी है, वो बता। ए, तमिलियन। रख दिया ना, अब चलो, साइन लेके आओ। इस पार्सल को अंदर रखवाओ। बाप से कहो, बाहर रखने का काम हमारा है, अंदर रखने का काम तुम्हारा है, चलो हटो। मैं बाहर ही ठीक हूं, अंदर जाके फालतू का लफड़ा नहीं करना है। नारायण भाई, कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ होगी। वेंकट की बेटी ने तो उससे बात की ना, उसी वजह से वो नाराज है, कहीं वो तुम्हें मारे ना। कौन? ये मुझे मारेगा? जब इसको लॉरी में डालकर मैं पार्सल कर दूंगा ना, तब पता चलेगा मैं कौन हूँ। सुनो भाई। हाँ। ये जमीन किसकी है? हमारे साहब के मेनन है ना। उनकी नहीं है? हाँ, उन्हीं की है, ये सब जमीन उन्हीं की तो है। अरे अरे, तुम रास्ता बदल कर कहाँ ले जा रहे हो? कहीं मुझे मारने का प्लान तो नहीं है? नहीं साहब, आप बिल्कुल मत डरिए, मैं ये सब काम नहीं करता, और आप तो एक मर्द है ना। इसमें कोई शक नहीं। रोक क्यों दिया भाई, क्या हुआ, क्या बात है? मेरी छोटी मैम साहब ने आपको यहाँ बुलाया था, उसके लिए मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। क्या हुआ, फिर से मुझे थप्पड़ मारना है क्या? चलो गाड़ी बढ़ाओ। ए, ये पार्सल भेजना है, ऑफिस आती तो पिताजी को पता चल जाता, इसलिए आपको यहाँ बुलाया। ए, सुनो, ये छोटे पार्सल ले जाना हमारा काम नहीं है, समझ गई ना? अब कैसे समझाऊं तुम्हें, ये छोटा पार्सल पोस्ट ऑफिस से भेजना पड़ेगा, लॉरी सर्विस से भेजने के लिए बड़ा पार्सल होना चाहिए, ये छोटा पार्सल हम नहीं ले जा सकते। चलो गाड़ी बढ़ाओ। और सुनो, पार्सल के लिए मना करने पर अपने पिताजी के गुंडों से पिटवाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ए, तो मुझे अकेला मत समझना, बाबू हटेला भी मेरे साथ है, अगर हम दोनों मिल गए ना तो तुम्हारे पिताजी गए। चलो भाई, जल्दी गाड़ी निकालो। अरे वाह, क्या आदमी है, तब से बोलते ही जा रहा है, कुछ समझ में आया? थोड़ा थोड़ा समझ में आया, मैं भी कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसने कुछ बोलने ही नहीं दिया। चलो। ए, तुझे ये रखने के लिए यही जगह मिली, चलो हटाओ। जाओ तुम। चिंटू पांडे, तमिलनाडु। हम्म।
ये क्या है? पांचाली की साड़ी की तरह निकलते ही जा रहे हैं। क्या होगा इसमें? कहीं बॉम्ब तो नहीं होगा ना? अलादीन का चिराग है क्या? यार ये लॉरी कहां जा रही है? से हाथ से फिसल गई। कोई भी चीज फिसलती है तो नीचे जाती है। तीसरी क्लास में पढ़ा था मैंने। भोजपुरी नहीं जानते हो क्या? तो हिंदी समझ में आती है? तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह बाकी कहाँ है? सोलह सत्रह अठारह और नमस्ते। आइए पोस्ट। भाई इस पोस्ट पर तो रहना ही बेस्ट है। चिढ़े हुए क्यों हो? अब क्या बताऊं भाई, वो भी तमिलियन है, मैं भी तमिलियन हूँ। तो क्या हुआ? कुछ नहीं, ईमानदारी से काम करके इज्जत से रहने वाला मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। कैसी परेशानी? कुछ खास नहीं है। अगर 300 रुपए मुझे दे देते तो मेरी मदद हो जाती। अभी अभी माल वाले को दिए हैं, आप चाहे तो मुझे भी दे सकते हैं। मेरा तो चाहता था पर पैसे नहीं है। भाई साहब आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए। चिंता मत कीजिए, मेरे पास इसका रास्ता है। आपका 300 रुपए का मनी ऑर्डर आया है। जरा पेन लाओ। ये लो, यहाँ पर दस्तखत कर दो। इस तरह क्या देख रहे हो? बिना पैसे लिए दस्तखत नहीं करता, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तुम्हारी समस्या है, मैं भी बिना दस्तखत लिए किसी को पैसे नहीं देता। तुम कोई नेता हो जो ऐसे बोल रहे हो? मुझे क्या तुमने बेवकूफ समझा है क्या? साइन तो करो यहाँ। नहीं करूँगा। मेरा पेन दो यहाँ। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ पर साइन करते हो या नहीं? मैं भी आखिरी बार कहता हूँ, मेरे पैसे दो, दस्तखत कर दूंगा। क्या कोई गांधी या नेहरू की साइन करनी है क्या? तुम्हारे नाम की साइन मैं भी कर लूंगा। पेपर लाओ यहाँ। ये लो पेपर पकड़ो, रास्ता छोड़ो। तुम बेस्ट हो, तुम बेस्ट हो। हम लोग बिहार से हैं, बरसों से यहाँ बस गए, हिंदी कम आती है। अपने बेटी की शादी अच्छे खानदान में करना चाहता हूँ, यही मेरी इच्छा है। बेटी उठो, ये नेकलेस पहन लो, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें क्या हो गया है? जो लोग आए हैं वो बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे पिता की तरह नहीं है। उठो बेटा। मुझे शादी नहीं करनी है, एक बार बोल दिया ना। लड़का काम कहाँ पे करता है? लड़का दुबई में काम करता है, साल दो साल में एक दो बार आता रहता है। इतना तो काफी है। सुनिए जी। हाँ एक मिनट जरा, मैं अभी आता हूँ। क्या है? बेटी शादी नहीं करना चाहती, अगर वो आके खुद मना करेगी तो बेइज्जती होगी, आप खुद ही मना कर दीजिए। ये नहीं हो सकता, ये शादी जरूर होगी, बाकी जो होगा मैं देख लूंगा। नहीं जी, वो इस शादी से खुश नहीं है। ओ, क्या कहा खुश नहीं है? जरा रुको। बेटी आज तक बहुत लोग तुम्हारी शादी की बात करने आए पर तुमने कभी एतराज नहीं किया, आज क्या हो गया? आज जो आए हैं बहुत ही इज्जतदार और भले लोग हैं, बस हमारे लिए तुम आंख बंद करके इस शादी के लिए हाँ कर दो। देखो बेटी तुम्हें क्या पसंद है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सब पता है। ए सुनो, यहाँ काम करने आया एक भिखारी है तू, प्यार करने के लिए क्या तुझे मेरी ही बेटी मिली? सुनो,
अगर तुमने मेरी बेटी को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझा? चला, अरे चला मेरे साथ। अरे आओ ना, सुनो तो। चला बैठ जाइए यहाँ। हमको वो गधे ने देख लिया है, वो हमारा पीछा कर रहा है। क्या कह रही हो पल्लवी? अगर वो मारना चाहे ना तो हम दोनों को ही मार सकते हैं। तुमने मरने का फैसला कर लिया है क्या? हम तुम्हारी भाषा थोड़ी बहुत समझ सकते हैं, पर बोल कम सकते हैं। अभी तो तुम घर जाओ, बाकी बातें हम लोग बाद में कर लेंगे। नहीं जाऊंगी, ऐसा मौका हमको दोबारा नहीं मिलेगा। आज दो लोगों के फैसला करना है, एक तुमको और दूसरा भगवान को। भगवान हमारी बात मानने के लिए तैयार है, पर हम पहले तुमसे बात करना चाहते हैं। मैं तुमसे शादी करूं तो मेरा ख्याल रखोगे ना? मैं बिहारी हूं पर केरला में रहती हूं। हमको तुम पर पूरा भरोसा है और हमको पता है तुम हमें अपनाओगे ना? अगर मैं कहूं कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, मैं तुमसे शादी ना करूं तो तुम क्या करोगी? भगवान हमारा साथ जरूर देंगे, हम अपनी जान दे देंगे, फिर अगले जन्म में तो हमसे शादी करने में कोई एतराज नहीं होगा ना? मैं हूँ शांति कुमारी। तो इतनी रात में यहाँ क्यों आई हो? पल्लवी आज रात को मंदिर में आपका इंतजार करने वाली है। हे भगवान, वो अभी तक नहीं आया। जो वक्त दिया था वो खत्म हो रहा है, कहीं वो भूल तो नहीं गया? मैंने सोचा था मंदिर नहीं आऊंगा तो थोड़ी देर रास्ता देखकर तुम अपने घर वापस चली जाओगी। तुम वाकई मुझसे बहुत प्यार करती हो? अब हम यहाँ नहीं रह सकते और घर भी नहीं जा सकते। लगता है गाड़ी में ही जिंदगी बितानी पड़ेगी। बिता लेंगे, लेकिन अगर बच्चा हुआ तो कहाँ उसे पालेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे सुनो भाई, जरा देखना तो क्या हुआ। गाड़ी वाला कहाँ चला गया? उस नीच को पकड़ो।
पंचायत शुरू करवा कर मुखिया जी चुप क्यों बैठे हैं? वो कैसे बोलेंगे, गलती उन्हीं की तो है। तो फिर मुखिया जी की लड़की ने गलती नहीं की है क्या? मुखिया जी, आप सजा इस पल्लवी को देंगे या उस लड़के को? सबको न्याय देने वाले वेंकट जी चुप क्यों बैठे हैं? क्या होगा पता नहीं, मुखिया जी क्या पता मुखिया जी क्या कहेंगे। साहब जी माफ कीजिएगा, जहां तक मुझे पता है वो लड़का बहुत अच्छा है। अगर उसने भूल से कोई गलती कर दी हो तो उसकी सजा मुझे दे दीजिए। बेचारे उस लड़के को माफ कर दीजिए साहब जी। उसे अगर मैं उनकी जगह होता तो तुझे काट के फेंक देता। हाँ, तुम चार नींबू काट के उसका अचार डालो। ए चल जा रहे साहब। हाँ, क्या है? ये बात ठीक नहीं है साहब कि आपने उस लड़के को सबके सामने पंचायत में खड़ा कर दिया। ये अच्छी बात नहीं है। वो लड़का तो आपके एमपी साहब का रिश्तेदार है। ए, उस लड़के ने मेरी इज्जत का सरेआम जनाजा निकाल दिया और तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो, चाहे वो लड़का एमपी का रिश्तेदार हो, किसी भी एमपी का। सुनो, तुम्हारे उस लॉरी ऑफिस को मैं जला दूंगा। साहब साहब ऐसी बात मत कीजिए, हम लोग छोटे लोग हैं। अगर उसने अनजाने में ये गलती कर दी है तो उसे माफ कर दीजिए। उस लड़के का ट्रांसफर करके मैं इस गाँव से बाहर भेज दूंगा, ये ठीक है ना? हाँ। अरे दूल्हे राजा, क्या सोच रहे हो, ठंड लग रही है। आ यहाँ आग के पास आ जा, ठंड 9-11 हो जाएगी। भाई सब शराब पी करके सो गए हैं, तुम यहाँ से भाग जाओ। ये बात अगर कल बोलते तो शायद मैं इस पर सोचता, लेकिन अब अगर मैं भागा तो ये धोखा होगा और मैं कभी धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि धोखा देना मेरी फितरत में नहीं है। ठीक है तो खाना खा लो। हैं? सुनो, मच्छी नहीं लाए क्या? अरे नहीं भाई, लेकर आया हूँ। ला जल्दी दो। इसका साथ मिले तो खाने में मजा। आखिरी खाना मेरे हाथ से खाओगे, ये किस्मत में लिखा है तो कौन बदल सकता है। ए, किसी ने मुझ पर हाथ उठाया ना तो काट के रख दूंगा। क्या? काट डालूंगा उसे। जरा सुनिए, आप हाँ तो बोलिए, मैं तो इसकी खोपड़ी तोड़ दूंगा, फिर ये ऐसी हरकत करने की कभी कोशिश नहीं करेगा। चाहे तुम तमिलियन हो या हो मलयाली, पर अगर दिल मिल गया है तो उसे अलग नहीं करना चाहिए। तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुमसे एक बात करनी थी। क्या बात है? सुबह मेनन साहब से मिला था, शादी तो अचानक हो गई, लेकिन मिलन शुभ मुहूर्त में होगा, इसी पूर्णिमा में रेवती नक्षत्र का दिन निकला हुआ है।
वो सब तो ठीक है, हैं? लेकिन सबसे पहले आदमी के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। तुम डर रहे हो भाई, आधी रात को फिर लड़की के साथ कैसे जा रहे थे? तो क्या करता, वो लड़की मेरे भरोसे घर छोड़कर आ गई थी, उसे वापस भेज देता क्या? लेकिन अब अपने घर वालों का डर है, उन्हें पता चल गया तो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये लो भाई तुम्हारा ट्रांसफर ऑर्डर, मैंने तुम्हारे गाँव में ट्रांसफर कर दिया। अरे क्या हो गया भाई? जोर का झटका धीरे से लगा। अब मैं जाऊँ? किसने रोका है, अब जाओ भी। अब क्या करोगे भाई, तुम पल्लवी को छोड़कर जा तो नहीं पाओगे, मेनन उसे साथ ले जाने के लिए बोलेगा। अब मैं क्या करूं? मुझे जो लगता है बोलता हूं, बुरा मत मानना ठीक है? बताओ क्या बताना है। तुम्हारे घर में एक नौकरानी की जरूरत है, ऐसा माँ बोल रही थी, तुम्हें ने तो बताया था। हाँ भाई। पल्लवी को अपने घर में नौकरानी बना के ले जाओ। शादी करके पत्नी को नौकरानी बना दूं? तुम्हारी बात सर के ऊपर जा रही है। अब ऊपर से जाए या नीचे से, लेकिन ठीक यही है। अच्छा पल्लवी ऐसा करने के लिए मानेगी या नहीं मानेगी? तुम्हें नौकरानी बना के घर नहीं ले जा सकता, थोड़ा इंतजार करो, मैं खुद ही कोई रास्ता निकाल के तुम्हें घर ले जाऊंगा, ठीक है? आप अपने घर अकेले जा रहे हैं यही बताने के लिए मुझे बुलाया है? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम समझती क्यों नहीं, तुम्हें यहाँ छोड़ के गया तो तुम्हारे पापा गुस्सा होंगे, घर ले गया तो माँ गुस्सा होंगी, मैं क्या करूँ, ऊपर से ट्रांसफर भी हो गया। आप गाँव जाकर वापस आएंगे, इसका क्या भरोसा? पल्लवी ये क्या बोल रही हो? मैं कोई दूसरी नहीं हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरे लिए आप परेशान हो रहे हैं, चाहे कैसी भी तकलीफ हो मैं तैयार हूँ। पत्नी तकलीफ सहने के लिए होती है क्या? मैं तो तुम्हें मना कर रहा हूँ पर तुम ही नहीं मान रही हो। फैसला कर लिया, मेरी बात नहीं मानोगे तो ठीक है, नौकरानी बनने के लिए तैयार हो जाओ, आओ चलो। देखो भाई हिम्मत से काम लेना। अरे क्यों रोती हो बेटी, मैं हूँ ना, देखो तुम्हारे पसंद के लड़के से तुम्हारी शादी करवा दी कि नहीं, यहाँ रानी बन के रही हो वहाँ महारानी बन के रहोगी, हमेशा खुश रहो, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें, ठीक है खुश रहो बेटी। नारायण इधर आओ। हाँ मालिक। मेरी बेटी बहुत ही रो रही है, उसका रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा है, इसीलिए मैं भी दामाद के साथ तमिलनाडु जाऊंगा। नारायण हाथ उठाओ, क्या हुआ? ये बात है। नारायण इधर आओ। मैंने अपनी बेटी को बहुत ही लाड़ प्यार से पाला है, क्या वो उसके घर में बताओ मुझे खुश तो रहेगी ना? ये क्या कह रहे हैं आप, चिंता मत कीजिए, अरे उसके घर में वो बहुत खुश रहेगी। हाँ। तुम चिंता मत करो। अब बेटी दामाद जी बुला रहे हैं, चलो आओ। रुको मैं बात करता हूं। अब समझा मैं, हैं? वो हमारी इज्जत बड़े धूमधाम से करना चाहते हैं, अब इन दोनों को जाने दो, जब बैंड बाजा और नाच गाना होगा तब हम जाएंगे। प्रभु ने मेहरबानी कर दी। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो। मैं किसी हाल में नहीं मानूंगी, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ऐसा काम करने से तो अच्छा है तुम्हें खुदकुशी कर लेनी चाहिए। मुझे बेवकूफ समझा है क्या? देखते ही समझ गई थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे बता रो, मुझे बता रो, मैं तो इस तरफ कभी आऊंगा मैम साहब, अरे मत बोलो मुझे। चिंटू भाई बहुत डर लग रहा है मुझे। तुम डरो मत, मैं हूँ ना। हैं? इसकी तो ये ले, ये ले। अरे मारो, चल मारो यहाँ से, मारो, ये ले, मारो, ये ले। बदमाश क्या, भागो यहाँ से। क्या हो रहा है यहाँ? मैं कोई गलती माफ नहीं कर सकती, मेरे सामने खड़े मत रहो, जाओ यहाँ से। चल भाग यहाँ से। माँ अपने घर में एक अच्छी नौकरानी की जरूरत थी ना काम करने के लिए, इसलिए केरला से एक लड़की को लेकर आया हूँ, वो हमारे साथ में रह सकती है ना माँ? कहाँ है वो? तुम्हारा नाम क्या है? पल्लवी। किस जात की हो?
माँ अभी इसे हिंदी ठीक से नहीं आती है लेकिन धीरे धीरे सीख जाएगी। ओह, आप इसके मेरा नाम रवि किशन है, इस लड़की का बाप पिताजी। थोड़ी बहुत हिंदी मैं भी बोल लेता हूँ। कहाँ कहाँ भटका होगा पता नहीं, नजर उतारती हूँ। तुम वहाँ क्यों खड़े हो? नहीं माँ ऐसा कुछ नहीं है, वो तुम अंदर जाओ। महीने में 1000 रुपया पगार मिलेगी, साल में 2 साड़ी मिलेगी और यहाँ तुम 3 वक्त का खाना खा सकती हो। ठीक है मालकिन। आजकल मैं ज्यादा काम नहीं कर पाती इसलिए पूरा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। ये बताओ तुम्हें खाना पकाना आता है ना? आता है मालकिन, थोड़ा बहुत खाना पकाना भी आता है। धीरे धीरे सीख जाएगी, मैं सिखा दूंगी। कैसा भाग्य है तुम्हारा, जमीन पर बैठकर खाना खा रही हो। मैं उनको बोल देता हूं कि उसकी पत्नी हो, उसके बाद कुछ भी होगा मैं संभाल लूंगा। माँ क्या है? वो वहां पर एक अच्छे परिवार में काम करती थी, तुम्हारा हाथ बटाने के लिए यहाँ ले आया। उसे अंदर साथ में बिठा के खिलाना चाहिए था ना। मुझे तो डर लगता है। इसमें डर की क्या बात, लड़की दिखने में सुंदर है। तो डरने की क्या बात है? तुम नहीं समझोगे, तुम अभी छोटे हो। हाँ, मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, कुछ नहीं समझूंगा। नारायण भाई मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हो रही है, आप नाराज है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, मेरा जो पात्र था वो मैंने अच्छे से निभा दिया। अब तुम जो करने जा रहे हो याद रखना उसका मजाक नहीं बनना चाहिए। चिंता मत करो, सही वक्त आने दो, सही वक्त आते ही मैं सबको सारी बातें बता दूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, पल्लवी एक बहुत बड़े घर की लड़की है लेकिन उसकी कुंडली में तुम्हारे घर नौकरानी बन के रहना लिखा था। अब तुम्हारी कुंडली में क्या लिखा है यही सोचकर मुझे डर लग रहा है बहुत। हाँ भाई वो आदमी गुंडा है, अचानक तलवार लेके आ सकता है, तुम उसे संभाल लेना। बस आगे। हाँ चलो। ये कौन है, चिंटू पांडे है क्या? ठीक से जाना। हाँ अरे बाप रे, भाग रहे हो क्या? ये तो किस्मत की बात है कि तुम यहाँ भी मुझे मिल ही गए। लाओ मैं कर देता हूँ। पल्लवी ये काम तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम्हारे हाथों में दर्द होगा। लाओ मैं कर देता हूँ, ये छोटे मोटे काम है मैं कर देता हूँ। एक मिनट। यहाँ पर क्या कर रहा है तू? कील ठोकने में मदद करने के लिए बोला तो मदद कर रहा था। ला कील मुझे दे। चला निकल, शकल देखी अपनी। इतने छोटे से काम के लिए तुमने इसे क्यों बुला लिया? वो तो ठीक से कील पकड़ भी नहीं सकता, फिर दीवार में कैसे ठोकेगा? मैं कैसे ठोकता हूँ देखो। किसकी फोटो है? गांधी बापू की है। गांधी बापू की बात। अरे रे तुम्हारे माथे पर इतना पसीना क्यों हो रहा है? मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें कोई भी जरूरत हो, रात में हो या दिन में हो, शर्माना नहीं मुझसे कहना। ये पकड़ो। क्या हो रहा है यहाँ? क्या है, क्या है ये? सुनो यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से। माँ ये लड़की इतनी दूर से यहाँ काम करने आई है और आप इसे बाहर सुला रही हैं? अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो इसकी तो आवाज भी नहीं सुनाई देगी हम लोगों को। मतलब अगर अंदर सुलाएं तो ठीक नहीं रहेगा? ये भी ठीक है, तुम जाओ, चाहे कहीं की भी हो, लड़कियां एक सी होती हैं, भाषा की जरूरत नहीं। हमारे घर में 4 मर्द हैं, संभल कर रहना, मेरी बात समझ रही हो ना? वहाँ स्टोर रूम के पास जगह है, वहां जाकर सो जाओ। Thank you.
मुझे लगता है मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। आपने कोई गलती नहीं की, आप तो मामा की बेटी से शादी करके खुश रह सकते थे, पर गलती तो मुझसे हुई है ना। मानता हूँ वो अच्छी लड़की है, पर मेरे दिल में उसके लिए प्यार जैसी चीज नहीं है। शायद बचपन से साथ में है इसलिए। अगर मैं तुमसे शादी नहीं करता तब भी मैं उसके साथ शादी नहीं करता, इसलिए ये सब बातें अपने दिमाग से निकाल दो। तुम जाके सो जाओ, सोचना कि मैं दुबई चला गया। अच्छा, तकलीफ तो मुझे भी होगी। वो कैसे? लेकिन तकिए को तुम समझ के मैं सो जाऊंगा, उल्लू घुस जाएगा। खिड़की बंद कर लो। न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ। पल्लवी, तुमने गाना क्यों बंद कर दिया? गाओ, गाना गाने से थकावट दूर होती है। बेचारी सुबह से शाम तक कितनी मेहनत करती है, तुम्हारा चेहरा खराब हो जाएगा। देखो पल्लवी, तुम्हारे जैसी सुंदर लड़की को इतना काम करते हुए देखकर मुझे कितना दुख होता है पता है? अभी बताता हूँ। हाय दैया, अरे वो क्या बोल रहा है बानी, समझ में नहीं आवेला। अच्छा, तुम समझो या ना समझो, मैं तो तुमसे बोलता ही रहूंगा और तुम्हारा ख्याल रखता रहूंगा, समझी? ये बताओ कि तुम मुझे पसंद करती हो? हमसे बात करत बानी, राहुल पत्नी आ गई तो? पत्नी? इस वक्त उसे क्यों याद कर रही हो? वो तो पागल है। उससे शादी करने के बाद मैं कभी सुखी नहीं रह पाया। शादी से अब तक उसने कभी भी मुझसे प्यार से बात नहीं की, और तो और प्यार से मेरे पास भी नहीं आई। बहुत से लोगों ने मुझे घर जमाई बनने से मना किया था, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। इसके भैंस होने के बावजूद मैंने इसे अच्छी लड़की मानकर इसे शादी कर ली। तुम खुद को देखो, कितने प्यार से बात करती हो, लेकिन मेरी पत्नी कभी मुझसे प्यार से बात नहीं करती। चुड़ैल है वो। तुम खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? चुपचाप काम करो, नहीं तो मालकिन देखेगी ना तो तुम्हें थप्पड़ मार कर निकाल देगी। ठीक है ठीक है, अब चलो चलो चलो। ए, रुको, कहाँ जा रहे हो? पल्लवी से मिलने जा रहा हूँ। नहीं मिल सकते? क्यों नहीं मिल सकता? बात मत करना। करूंगा। बात करो। लेकिन मैं भी बात करूंगा। नहीं, पल्लवी सिर्फ मेरी है। मेरी है? मैं बड़ा हूँ, पल्लवी मेरी है। मैं छोटा हूँ, पल्लवी मेरी है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। बड़े का हक पहले होता है, समझे? चुपचाप जाओ यहाँ से। कौन है? चिल्ला कह रहा है बानी। अरे काहे मर गए बानी? Ah!
चलो उठ। काम खत्म हो गया। घर के पीछे तालाब है, जाके नहा लो तुम। डरने की जरूरत नहीं, आराम से नहाना। तुम्हें तैरना आता है ना? तैरना तैरना। ओह आवेला। जाओ। इस वक्त कहाँ जा रहे हो? वो क्या है ना, यहाँ बहुत गर्मी है इसलिए नहाने जा रहा हूँ। तुम्हें तो गर्मी लगती नहीं, अचानक कैसे लगने लगी? कभी दिन में तो नहाते हो नहीं, और आज रात में कैसे? मैं कभी भी नहाऊं, इससे तुम्हें क्या मतलब है? पल्लवी, अरे ओ पल्लवी, तुम्हारे प्यार में डूबकर तुमसे मिलने के लिए आधी रात को इस पानी में उतर कर आया हूँ। मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो पल्लवी। चलो पल्लवी अपना हाथ दो। अरे रे 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 रे। सांबर में डूबे हुए बड़े की तरह इस पानी में डूब करके तुम्हारा हाथ मुलायम हो गया पल्लवी। इस मुलायम हाथ को छूकर मेरे अंदर की गर्मी बढ़ गई है। पानी बहुत ठंडा है। आओ इस पानी में डूबकर हम दोनों अपने प्यार की प्यास बुझा लें। तुम मुझसे शर्मा रही हो या तुम्हें डर लग रहा है? बाकी सब सो रहे हैं और शक्ति और पांडे नहा रहे हैं, कोई नहीं आएगा यहाँ। तो मेरे कारण बहुत दुख सह रही हो ना? यहाँ मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मीनाक्षी माँ बहुत अच्छी हैं। इस परिवार से मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। बस थोड़े दिन की ही तो बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा ना? सही हो जाए तो ठीक है, वरना ठीक करना पड़ेगा। अरे क्या कर रहे हैं, सुहागरात से पहले नहीं जाइए यहाँ से। यहाँ वहाँ क्या, इस काम के लिए मुहूर्त नहीं निकाला जाता। ये चिंटू पांडे कहाँ चला गया? चिंटू आ रही हूँ। पहले इसे छुपा लो। हाँ छुपाती हूँ। अरे आप हैं भाई साहब, पोस्ट ऑफिस जा रहा था ड्यूटी करने के लिए, अचानक आप दिख गए तो मैं रुक गया। मेरा भी केरला से यहीं पर ट्रांसफर हो गया है। ए, तेरा ट्रांसफर हुआ है या तू डिसमिस हुआ है? मुझे क्या करना पिताजी, मैं ऐसे नहीं जानता। अच्छा ऐसी बात है, ये कौन है, तुम्हारे पिताजी हैं? कैसे देख रहे हैं? देखने में तो ठीक ठाक ही हैं, लेकिन मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, अभी तुम बहुत कंफ्यूजन में हो। अरे रे ये कौन है, केरला से है क्या? हाँ हाँ भाई, घर में एक नौकरानी की जरूरत है तो बेटा केरला से इसे लेकर यहाँ आ गया। शाबाश, नौकरानी है क्या? भाई कई जगहों पर नौकरानी को घरवाली बनते देखा है, लेकिन घरवाली को नौकरानी बनते हुए पहली बार देख रहा हूँ। मुझे 200 रुपए मिलेंगे क्या? 200 रुपए? तुम्हारी हालत देखकर मैंने 200 रुपए ही मांगे, पर अचानक ही उस लड़की के माँ बाप की याद आ गई, इसलिए अब 300 रुपए दो, क्योंकि इस पोस्टमैन को हिंदुस्तान के सारे अते पते मालूम है। तुम्हारे ससुर मेनन का पता भी मालूम है। ठीक है अब जाओ, लेकिन दोबारा देखे तो मार खाओगे। जा रहा हूँ, लेकिन बार बार मैं आता रहूंगा। चिंटू सुनो, ये कैसी काम वाली लाए हो तुम? ए उठ उठ, घर में रखे हुए आटे से रंगोली बना रही हो, दिमाग खराब है क्या? भाषा भी नहीं जानती, जाओ जाओ यहाँ से। अरे रे रे, कैसी औरत हो तुम बेचारी, छोटी बच्ची है डांटती रहती हो। हो सकता है इसके गांव में इडली के आटे से रंगोली बनाते हो। उस बेचारी लड़की ने सुबह सुबह इतनी सुंदर रंगोली बनाई है, तारीफ करने के बजाय डांट रही हो। मैं भी आपको देख रही हूँ, मेरा डर आजकल कम हो गया है क्या? छोटी बच्ची है, तुम्हारे डर के बारे में कम जानती होगी। मैं उसकी नहीं आपकी बात कर रही हूँ, चुप रहिए, अंदर जाइए। क्या हुआ? अब
वो मुझे माँ ने बहुत डांटा, मेरी कोई गलती नहीं थी, रंगोली बनाने में टाइम तो लगता है ना। तुमने इडली के आटे से रंगोली बनाई ना, इसलिए डांट पड़ी। अब जो भी करना मुझसे पूछ के करना। उन्होंने बहुत डांटा मुझे। तुमने तो सिर्फ डांट ही खाई है, लेकिन पिताजी डांट ही नहीं मार भी खाते हैं। तुम्हें भी मार पड़ सकती है, बचने के लिए बेहोश होने का नाटक करना, बाकी मैं संभाल लूंगा, चलो। अरे यार कुछ तो करना पड़ेगा। चिंटू क्या हुआ, क्या है वो रोते हो जा रही है, क्या बात है? कुछ नहीं, बस छोटी सी बात थी। तूने कुछ बोला क्या उसे? नहीं मैंने कुछ नहीं बोला। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर उसका रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या बात हुई, साफ साफ मुझे बताओ। बताओ, बताओ? तुम उस लड़की से हंस के बात कर रहे थे ना, माँ को ये बात पता चल गई है। माँ एक तो तुमसे नाराज है और तुम्हें बुला भी रही थी, और तो और झाड़ू भी मांग रही थी। वो तुमसे मांगने की जरूरत नहीं, वो तो पिताजी के पास ही होगा, झाड़ू तो वही लगाते है ना। पर उस लड़की से तो मैंने सपने में बात की थी माँ। माँ जी हमरा के माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती ना हुई। तुमने गलती की, मैंने डांट दिया, बस हो गया, उठो। माँ 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 गलती मैंने की है, इसको छोड़ दो माँ। क्या कहूँ कैसे कहूँ, अनजाने में हो गया माँ। छोटी गलती को बड़ा मत बनने दो माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो माँ। इडली के आटे से रंगोली बनाने के लिए तुमने कहा था इसे? हमेशा सपने की बात झूठ निकलती है, ये इडली आटा मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चिंटू पांडे। ओ, क्या बात है, आते ही हंसना शुरू कर दिया, पागल हो क्या? बताओ क्या बात है भाई। ये सब किस्मत की बात है, केरला से तुम्हारे लिए चिट्ठी आई है। तो ठीक है रख दो यहाँ। ये अच्छा नहीं होगा। तो क्या परेशान करोगे? चिट्ठी के अंदर क्या क्या लिखा है तुम चाहो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। देखो दूसरों के लेटर चोरी से पढ़ना गलत बात है। अब तुमने शादी करने के बाद अपनी बीवी को घर में नौकरानी बना कर रखा है, ये सही है क्या? पता नहीं ये मुसीबत कब खत्म होगी। ये लो, अरे सुनो, मेरी कमाई का आधा हिस्सा तो हमेशा तुम ले जाते हो, इस बार भी लेटर पढ़ लिया होगा ना। सुनो ये बात किसी को बताना मत। मैं पागल हूँ क्या? तुम तो अंडा देने वाली मुर्गी हो। मुझे पता है कि मैं मुर्गी हूँ, बताने की जरूरत नहीं है, अब जाओ यहाँ से। सुनो केरला से लेटर आया है। अरे वाह, लेटर आया है, मेरे पिताजी ठीक है ना? पता नहीं, खोल के देखता हूँ कि जिंदा है भी या नहीं। नारायण ने लिखा है, पढ़ता हूँ, सुनो। प्यारे चिंटू पांडे नमस्कार, मैं नारायण लिख रहा हूँ, यहाँ मैं और मेनन साहब खुश हैं। हमें पल्लवी की चिट्ठी मिली और वहाँ के समाचार भी मिले। आने वाली 15 तारीख को पूर्णिमा के एक दिन पहले रेवती नक्षत्र में तुम सुहागरात मना सकते हो, ये मेनन जी ने बताया है। आज क्या तारीख है? 15। तो आज ही हमारी सुहागरात है। वो क्या होती है सुहागरात? अरे बहुत बड़ी रात है, सबकी वाट लगाने वाला मुहूर्त है। अरे रे माँ जी आ रही है। अरे बाप रे। सुनो आज हमारी सुहागरात है, बगल के तबेले में जो कमरा है ना, वहाँ जाके मैं हम लोगों के लिए बेड बनाता हूँ, वो जगह भूलना मत। कौन सी जगह? गाय भैंस, मैं दूध निकालते है ना, हंसो मत, ईसा मसीह भी वहीं पैदा हुए थे, भूलना मत, रात को ठीक 10 बजे वहाँ पहुँच जाना। क्या है थोड़ी बदबू आएगी लेकिन सेंट डाल लेंगे। चल हट, मेरा बैठ खा रही है तू? तू अपने हस्बैंड के पास जा, मेरी पत्नी आने वाली है। पल्लवी जैसी लड़की को भोजपुरी सीखकर पटाना चाहिए। अम्मा। भाई। पिता। बबू। बाऊजी। बाऊजी अच्छी बात है। दीदी। दीदिया। बहन। बहनी। नहीं नहीं। नौकरानी। नौकरानी बाड़ू फिर भी हम रउआ के पसंद करेनी। नौकरानी बाड़ू फिर भी रउआ के पसंद करेनी। नौकरानी बाड़ू फिर भी रउआ के पसंद करेनी। नौकरानी नहीं खे, तू झील की रानी बा, हम तोरा से प्यार करता। भोजपुरी बोलने लगा हो, लगता है काम बन जाएगा। प्यार हुआ है तुमसे, नजर चुराऊं उनसे, प्यार की वो पहली मुलाकात होगी। कितनी देर लगा रही है, पता नहीं अभी तक आई क्यों नहीं, कहीं वो भूल तो नहीं गई ना? ऐसा नहीं हो सकता, वो जरूर यहाँ आएगी। ये क्या, वो आई नहीं और ये मेरा बैट खाई जा रही है। हयारे हयारे हया हयारे हो हयारे हयारे हया। पल्लवी यहाँ अचानक मेरी माँ कैसे आई?
माँ कैसी हो माँ? इस वक्त यहाँ क्यों आए हो? वो 30 दिन में भोज क्या 30 दिन तक भेल खाएगा क्या? नहीं नहीं माँ, 30 दिन में भोजपुरी कैसे सीख सकते हैं यही पूछने के लिए मैं पल्लवी के पास आया था। तुम हिंदी तो ठीक से बोल नहीं सकते और चले भोजपुरी सीखने। माँ आप मेरी बात सुनकर के हैरान हो जाएंगी। क्या बोला? देखो ना मैंने तो अभी बताया भी नहीं और आप हैरान हो गई। माँ पागल बेवकूफ कुछ नहीं आता। क्या? ऐसी ही बातें बोलकर आप मुझे डांटती है ना, इसी को बदलने के लिए इस दुनिया की सारी भाषाएं सीखकर मैं परम विद्वान होना चाहता हूँ। अभी आपको भोजपुरी सुनाता हूँ। हमार प्यार रूपमती, हम तोरा से प्यार करत बानी, हम तोरा के साथ रात काटे खातर तोरा के पास आई नी, यहाँ कौन बाटे जो हमनी के रोक सकेला, प्यारे खातिर बस एक रात काफी बा, एक रात काफी बा। शाबाश शाबाश, तुम बहुत प्यारी बातें करते हो। हाँ तुम्हें ये बहुत अच्छा लगा ना? बस यही बात, अगर मैं किसी सुंदर लड़की को जाके भोजपुरी में बोल देता हूँ तो मेरी मेहनत पूरी तरह से सफल हो जाएगी और बस यही बोलने में आया हूँ। बेटा जरा यहाँ आओ, आओ आओ। हाँ माँ। आओ, एक नई भाषा सिखाऊं तुम्हें। क्या बात है माँ? मैं मार नहीं खाना चाहता माँ। तुम दरवाजा बंद करके सो जाओ। नींद आ रही है, अगर आज सो गया तो बेइज्जती हो जाएगी। क्या हुआ होगा? रहने दो। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मर गया। रात में यहाँ क्या कर रहे हो? हाथ में एक टैबलेट थी, नीचे गिर गई, उसे ही अभी ढूंढ रहा था। पिताजी भी बुजुर्ग हो गए हैं ना माँ, इसलिए मैं उनकी मदद करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ माँ। बड़े पांडे यहाँ आओ। बोलो माँ। सुबह खेत में खाद डालनी है, रात के वक्त टैबलेट मत ढूंढो, जाओ जाके सो जाओ। चल जाकर सो जा। हाँ, जाके सो लेते। चल चलो। ये तो मेरे चिंटू जैसा लग रहा है। चिंटू बेटा, चिंटू बेटा, क्या हुआ बेटा? अब आई हो, पूर्णिमा के पहले रेवती नक्षत्र में सब तुमने गड़बड़ कर दिया। माँ इल्बानी। अरे माँ। बेटा तुझे किस चुड़ैल ने यहाँ लाकर पटक दिया, बोल बेटा। अरे रे, किस पापी ने मेरे बेटे की ऐसी हालत कर दी है भगवान। क्यों डांट रही हो, क्या बात है मुझे बताओ। ये घर के अंदर चैन से सोया था, अब घर से बाहर चैन की नींद सो रहा है। चुप रहिए, घर में सोया लड़का यहाँ भैंसों के पास सोया हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है? इसे कोई गलत बीमारी लग गई हो। पिताजी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मैं देखता हूँ। पहले तो मेरी बात का जवाब दे। बोलिए। कल रात को तू कहाँ सो रहा था? अंदर। अंदर या बाहर? मुझे लगता है पिछले जन्म में ये कोई सांड रहा होगा, इसीलिए गाय को ढूंढते हुए यहाँ आकर सो गया। सही है, साबित हो गया। आप जरा चुप रहेंगे क्या? ये भी बंद कर दूं क्या? मैंने फैसला कर लिया है, अब मुझे कुछ भी नहीं छुपाना है, मैं सब कुछ बता दूंगा। जाओ यहाँ से। आप यहाँ से जाइए। अच्छा मैं जाऊँ क्या? ठीक है। अरे अरे साइड पॉकेट इतनी लंबी। पिताजी पैंट देखिए, पिताजी ये पैंट देखिए, पैंट देखिए जरा पिताजी,
भाई ये देखिए पैंट देखिए मेरी, भाई तू भी देखना। क्यों बेटा, जब घुस नहीं रहा है तो जबरदस्ती घुसाने की कोशिश क्यों कर रहा है? पिताजी शुरू शुरू में ऐसा ही होता है, बाद में आदत पड़ जाएगी। इसमें से बाहर मत आना नहीं तो कुत्ता काटेगा। माँ इस पेंट में कैसा लग रहा हूँ मैं? मुझे इसी वक्त चिंटू की समस्या का हल निकालना है। कैसी समस्या? कल रात इसने हॉल में सोए हुए चिंटू को उठाकर गाय भैंसों के पास सुला दिया। ऐसा अगर दोबारा हुआ तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी, समझा? गाय भैंसों के पास? मैंने चिंटू भाई को कब उठाकर कब सुलाया पिताजी, मुझे कुछ याद नहीं है। पल्लवी अपने घर में तुम राजकुमारी की तरह रहती थी, लेकिन यहाँ नौकरानी बनके रह रही हो। तुम्हारे हाथ तो नहीं दुख रहे ना? नहीं जी, आपको छोड़कर मैं अकेली नहीं रह सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। मदुरई में ट्रांसफर के लिए लिखा है, अगर मिल गया तो यहाँ का सबको छोड़कर वहाँ खुशी से रहेंगे, लेकिन वहाँ जाते ही बच्चा होना चाहिए। बच्चों? ये बात तो बड़ी जल्दी समझ में आ गई। ये बताओ कल तुम आई क्यों नहीं? कल रात मैंने दरवाजा खोला तो मुझे गिफ्ट मिला। गिफ्ट? आप चाहे तो पिताजी से पूछ लीजिए। जरा दिखाओ तो। अच्छा पिताजी ने तुम्हें ये नहीं, दिया? मुझे शक्ति भैया ने गिफ्ट दिया। अरे पापी है सब इस घर में, पाप भाई सब मेरी बीवी के पीछे पड़े हुए। ये लो पकड़ो, मंगलसूत्र छुपा लो। पसंद आया? थैंक्स नहीं बोलोगी? इतना काफी है, चलो खिड़की बंद कर लो। आजकल तुम दिखाई नहीं दे रहे हो, मैं भी तुम पर नजर रखती हूँ। जब से घर में वो नई नौकरानी आई है तुम बदल से गए हो। चुप, वो नौकरानी नहीं परी है, आकाश से उतरी परी, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। अच्छा बताओ यशोदा, तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? यशोदा मैं जो कहूंगा वो करोगी क्या? तो फिर पानी में कूदो। कूदना पड़ेगा, कूदो जल्दी। यहाँ कोई आ रहा है क्या? अरे कोई नहीं आ रहा है, कूदो। ए, तुम मुझसे शादी करोगे तो ये जगह मेरे नाम करोगे क्या? जरूर कर दूंगा यशोदा, लेकिन हम सबको यहाँ से पानी भेजते रहना, ठीक है? तुम भी आओ ना, नहा लो। आओ नहा लो ना। आ गई। दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह। अरे तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? मैं तुमसे ज्यादा देर पानी में रह सकती हूँ। तुम पानी के अंदर मुझसे ज्यादा रह लोगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। सच कह रहे हो? पानी की कसम मैं पानी के अंदर ही शादी कर लूंगा। तो जाओ अंदर। वन टू थ्री। तालाब में जब लड़कियां नहाती है तो तू वहाँ तमाशा देखता है, क्या समझता है खुद को? माँ मेरी बात का बुरा मत मानना, भाई की उम्र बहुत हो गई है, आप इसकी शादी यशोदा से करवा दीजिए। करेक्ट, लड़का लड़की का मिलन हो जाएगा। आप चुप हो जाइए चिंटू, मतलब तुम्हें ये बात पहले से पता थी? तुमने जानते हुए भी हमें नहीं बताया। ध्यान से सुनो, बिना कुल गोत्र जाने किसी लड़की से शादी की तो मैं मानने वाली नहीं, घर में घुसने तक नहीं दूंगी। ए सुनो, कोई तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें केरला चलने के लिए कहेगा, वो मेरा आदमी होगा, उसकी बात मान लेना। हम भी कुछ कम नहीं है, सब तुम्हारे प्यार की वजह से। पग घुंघरू बांध मेरा नाच रे। पल्लवी तुम सूखी घास निकाल रही हो, बेचारी तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा होगा। अब रहने दो, मैं निकाल कर दे देता हूँ, मैंने बहुत निकाला है। भूत 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 भूत।
चिंटू ये मुझ पर कैसी लग रही है? अच्छा है ना? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। कहाँ जा रहे हो? मामी ने इसे जलाने को कहा है। तुमसे कहा तो मुझे क्या करना? दिए के लिए बातें कैसे बनाते हैं? तो बताओ ना। मुझे बनाने नहीं आती चिंटू। ये देखो, लो बन गया ना। बस इतनी सी बात? औरतों की तरह रहोगी तब आएगा ना। ये लो। रुको, इतनी जल्दबाजी क्या है? तो क्या करूं? बस थोड़ी देर रुको ना। तुम्हारे साथ? अरे जाने दो। अरे रुको ना, दीपक जलाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 10। सुनो सुनो, एक काम करो, तुम 5 बनाओ और मैं 5 बनाती हूँ, देखते हैं पहले कौन बनाता है। जरूरी है? चलो बनाओ। ए, क्या कर रही हो? क्या हुआ? ढक दो इसे। तुम हो ना यार, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। ओहो, नहीं हो रहा चिंटू। ये लो, 5 बातियां तैयार हो गई। जलाओ दिया, इसे ढको। बस आती ही होगी पल्लवी। लो ये रख लो। अरे तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं कि तुम्हारा भाई गुंगा है। ठीक है, गांव से जल्दी वापस आना। हाँ, हमरा जाए से आपको तकलीफ होगी ना? वो तो होगी, तुमसे दिल जो लग गया है। बस अब जल्दी से वापस आना। हाँ, संभल कर जाना। ठीक बामा जी। जाओ अब। डरो मत, मैं तुम्हें काट के नहीं खा जाऊंगा। मेरे साथ चलो। चलो छोड़ो। चलो तो छोड़ो मुझे। छोड़ो। अरे चलो। ए, मैंने तुम्हें वहां बुलाया था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उधर मेरे पहचान के लोग रहते हैं, इसलिए इस तरफ से आया। हाँ, इससे दोस्ती रख के ही मैंने गलती कर दी, मेरी बेवकूफी है। ये लो, और सुनो, आज के बाद हमारी दोस्ती खत्म। छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को भी बता सकते हो, मैं किसी से नहीं डरता। अब जाओ यहाँ से। हाँ ठीक है। तुम ठीक हो ना? कमीना। कौन? वो आदमी। अच्छा वो, मैं तो डर ही गया था। दूसरी पूर्णिमा आने से पहले हमें एक हो जाना चाहिए। चलो। सुनिए जी, पिताजी दरवाजा बंद करके चले गए, अब हम बाहर कैसे जाएंगे? हम लोग बाहर क्यों जाएं? ऊपर वाले ने हमें मौका दिया है और आज मुहूर्त भी बहुत सही है। ठीक है, सुहागरात का ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। क्या मतलब? ओहो, तुम्हें कैसे समझाऊं? ठीक है, तुम्हें इंटरनेशनल लैंग्वेज में समझाता हूँ। साहब आप इतने उदास क्यों हैं? वो क्या है, बेटे ससुराल गए हुए बहुत दिन हो गए, उसकी कोई खबर नहीं, इसीलिए मैं उदास हूँ। साहब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ठीक है, मैं कल सुबह ही तमिलनाडु की तरफ जा रहा हूँ। अरे तुम तमिलनाडु जा रहे हो, तो वहाँ तुम मेरी बेटी से मिल के आना, समझे? सुनिए जी, पल्लवी को केला बहुत पसंद है, उसे केले भिजवा दीजिए। अरे सिर्फ केला ही क्यों, और भी फल भिजवाओ। सुनो, नारियल, अनार, सीताफल और सेब भी लेकर जाना। उसे कहना उसके माता पिता उसे बहुत ही याद करते हैं, समझे क्या? हाँ। अरे तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो, जाओ ना जल्दी। हाँ। सुनो, ये क्या नई मुसीबत है? ये माधव कौन है? माधव मेरे लौरी मामा है। लौरी मामा? लौरी भी किसी के मामा मामी होते हैं क्या? ऐसा नहीं है जी, वो लौरी मामा हमारे रिश्तेदार हैं, वो हमारी लौरी चलाते हैं और सारा काम भी करते हैं। तो उसके लिए क्या? अरे बाप रे, ये भिंडी तो बहुत बड़ी हो गई है। अरे रउआ यहाँ कैसे? खिली हुई धूप में, हरे भरे खेत में, जब एक खूबसूरत जवान लड़की हो और उसके सामने एक मेरे जैसा हैंडसम आदमी आया हो तो क्या मतलब? क्या मतलब? नहीं समझी ना। घर में वो पागल बुढ़िया जो कहने के लिए मेरी पत्नी है,
उसके अत्याचार मुझसे सहन नहीं होते। वो घर में ना तो हम दोनों को मिलने देती है ना बात करने देती है, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ खेत में आ गया। किस लिए? जरा हाथ दिखाओ। वाह वाह, तुम्हारी उंगलियाँ भिंडी की तरह नरम और सुंदर हैं। मेरी तो कोई भी चीज नरम नहीं है, इसलिए मेरा मन नहीं माना। और मैंने तुम्हें पहनाने के लिए एक सुंदर सी अंगूठी बनवा ली है। जरा अपनी उंगली दिखाओ, दिखाओ ना उंगली, दिखाओ ना। ये क्या, ये तो नरम से एकदम कड़क हो गई। कोई बात नहीं, ये अभी चलेगी। अरे वाह वाह, तुम तो ज्यादा ही करीब आ रही हो। लगता है कोई आ रहा है, हमेशा गलत टाइम पर आ जाते हैं। मैं चलता हूँ, हमेशा ऐसे ही आता जाता रहूंगा, फिर मिलूंगा। मैं काला धागा भी मांगू तो 6 महीने में मिलेगा, और तुम्हें 5 ग्राम की अंगूठी दे दी। ये बात माँ को बताकर मैं इन्हें पिटवाऊंगा। लॉरी मामा, लॉरी मामा, लॉरी मामा। अरे भाई, कौन है जो मुझे ऐसे पुकार रहा है? आप लॉरी मामा हो? धमाद जी, सच में आप लॉरी मामा हो? धमाद जी, आप जी। अच्छा मामा, टैंक फुल करने के लिए कितने लीटर की जरूरत पड़ेगी? 250 लीटर की। 250 लीटर? लॉरी मुंबई जानी है ना, 250 लीटर तो लगेगा ही लगेगा। मैं इस टैंक की बात नहीं कर रहा हूँ मामा। हाँ, माल के ऊपर है। ये माल कैसा है? 4 राउंड हो गया। पर ये तो 5वां राउंड है ना। कितना भी पी लूं बिल्कुल ठीक रहूंगा। पल्लवी घर पे है ना? इतनी धीरे क्यों पी रहे हैं? अच्छा मामा, मैंने आपको बताया था ना कि पल्लवी फिल्म देखने गई है। ये नीट पी लो, साथ में ये भी पी लो। हाँ, ये लो, ये लो। हाँ, अब ठीक है। सुनो, तुम्हें पता है भगवान हमारा साथ दे रहे हैं। ट्रांसफर होने तक ये राज किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लॉरी मामा है ना, उसको मैंने गले तक शराब पिलाई, फुल टाइट कर दिया और शराब पिलाकर उसे वापस भेज दिया। पता है तुम्हें कितना बड़ा शराबी है? इतनी पीने के बाद सीधा मुंबई जाएगा, वरना ऊपर चला जाएगा। दीदी, शराब पीकर लॉरी मामा मुंबई नहीं गए, यहाँ आए थे। क्या कहा? हाँ, वो यहाँ आकर मेरा हाथ पकड़कर बहुत रोए और माँ से भी मिलके गए। माँ से मिलकर? हाँ, गया। सिर्फ इतना ही नहीं, वो मुझे नौकरानी के रूप में देखकर बहुत रोए और रोकर चले गए। अरे बाप रे। सुनी, अंकरा के बुखार बा। कैसी बात कर रही हो? बुखार बुखार की बात मत करो, प्यार की बात करो। किसको बुखार है? अंकरा के रउआ के माँ बुला रहल बा। चली चली ना। कहाँ है बुखार, कहाँ है बुखार, किसको बुखार आया है? इस घर में सबको बुखार आता है सिवाय आपके। इसका शरीर गर्म है। गर्म है, बुखार आया है, पहले क्यों नहीं बताया? ओहो, इसने दूसरी भाषा में बताया था, मेरी समझ में नहीं आया। अब मुझे बताओ इसका बुखार कैसा है? अभी भी तबीयत ठीक नहीं है। माँ, अब मैं और नहीं छुपा सकता, वो मेरी पत्नी है। क्या कहा? हाँ माँ, केरला की पंचायत में मुझे उससे शादी करनी पड़ी। शादी करनी? ए, चलो उठ, उठ, आ मेरे साथ। माँ नहीं, चल। नहीं माँ, माँ छोड़, चल। माँ मेरी बात सुनो। हमारी बात तो सुनिए। माँ, चल। अरे माँ सुनिए तो। निकल यहाँ से। अरे सुनो, निकल। माँ छोड़ दे। माँ 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 छोड़ो सब। मैं तो नहीं सुनने वाली। आप देखिए ना, निकल। छोड़ो तुम। इतना क्या बोलिए ना? माँ जी कुछ बोलिए। माँ 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 सुनो तो। माँ माँ रुक जाओ ना, प्लीज प्लीज। पिताजी कुछ तो बोलिए पिताजी। माँ छोड़िए ना। माँ 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 क्या हुआ? पल्लवी, वहाँ केले का एक पौधा है, तुम वहाँ जाकर उसे भी पानी डाल देना, ठीक है? Thank you.
पल्लवी 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 पल्लवी, अरे इस लड़की को क्या हुआ? बच्चे का बाप कौन है बताया क्या? पूछने पर भी नहीं बताया। कुंवारे मर्दों के घर में एक जवान लड़की को नौकरानी बना के रखना ये ठीक बात नहीं है। पहले इसके रिश्तेदारों को बुलाइए, अब इसे यहाँ रखना ठीक बात नहीं है। थप्पड़ मार के पूछे? नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। केरला वाले यहाँ आ गए तो हम क्या करेंगे? ठीक है, पहले घर में सबसे पूछते हैं। सुनो बड़े पांडे। क्या है शक्ति पांडे? तुम्हारे छुपाने से कुछ नहीं होगा, ये गलती तुम्हारी है ना? अरे मैं वो गलती करना चाहता था पर मैं नहीं कर पाया, बस यही मेरी गलती है। लेकिन देख कर लग रहा है कि ये गलती तुम्हारी है। मेरी शक्ल ऐसी है क्या? और क्या, पिताजी की जैसी है। तुम लोगों में से अगर किसी ने ये गलती की है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं माँ, तुम गलत सोच रही हो। भले ही हम उससे हंस हंस के बात करें, प्यार व्यार से बात करें, लेकिन जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े ऐसा गलत काम कभी नहीं करेंगे माँ। बेकार की बात मत करो, नीचे उतरो। अरे मत मारो, मत मारो मुझे, बोलिए मुझे मत मारो। जाइए, मैं कहती हूँ, मेरी बात का जवाब दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया, आप ऐसे नहीं मानेंगे। मेरी बात का जवाब दीजिए। रुको रुको, जिस आदमी के साथ तुमने शादी की उसे दौड़ा दौड़ा कर मार रही हो, ये ठीक है क्या? जो काम किया है उसके लिए तो जान से मार देना चाहिए। तुम बेकार में शक कर रही हो। शक अगर घर में घुस गया तो खुशी बाहर निकल जाती है। बेकार का शक करके घर की खुशियां खत्म मत करो। गलत काम करके मुझे सलाह दे रहे हो? मेरी बात सुनो, इस उम्र में मैं गलत काम करने के सिवा क्या करूंगा? क्या? नहीं 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 करूंगा। चुपचाप यहाँ आते हो या मैं उधर आऊँ? मैं उधर नहीं आऊंगा, मुझे कुछ भी नहीं पता। सच में मैंने कोई गलती नहीं की है। गलती करने वाला आदमी कभी अपनी गलती नहीं मानता। ठीक है, तो फिर उसका बच्चा होने के बाद उस बच्चे की शक्ल अच्छी तरह देखना और फिर मेरी शक्ल से मिलाना, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि ये गलती मैंने की है या नहीं। अपनी बकवास बंद कीजिए। बताओ, जल्दी बताओ, ये पाप किसका है? किसका है ये? किसी घर वाले का या बाहर वाले का? मेरी बात सुनो, सहेली के हिसाब से पूछ रही हूँ, ये किसने किया है? सच बता दो हमें। बताओ, चुप मत रहो। छे, तुम्हारे रोने से क्या फायदा है? कौन है बताओ मुझे, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। आओ बेटा, यहाँ आओ। अरे वो गर्भवती हो गई है। कौन? पल्लवी। मैं आपकी बातें सुन रहा था। तो ठीक है, उसे केरला छोड़ाते हैं। अगर आपको डर लग रहा है ना तो मैं उसे केरला छोड़ाता हूँ। नहीं, उसने कहीं जाके तुम्हारा नाम लिया तो तुम बेकार में फंस जाओगे। सब वहाँ मिलकर तुम्हारी उससे शादी करवा देंगे। माँ, क्या है? उसे कमरे में क्यों बंद कर दिया? ये कोई जेल है क्या? हाँ, जेल ही है, और क्या करूँ? मैं उसे किसी से मिलने नहीं दूंगी। उसे ले जाने के लिए उसके बाप को लेटर लिखा है। किसे? वेंकट को। क्या कहा? वेंकट? कुछ नहीं। मैं हूं, कैसी हो तुम? दुखी मत होना और चिंता बिल्कुल मत करना, मैं किसी तरह तुम्हें बचा लूंगा। कौशल्या, कौशल्या। क्या है जी? वो पंकज कहाँ गया? वो दो दिन से नहीं आया है। वो चाय वाला नारायण आया था क्या? क्या बात है, बोलिए ना। पंकज से कहना कि वो नारायण को काट के फेंक दे। हे भगवान। माँ काली के मंदिर में दिया जलाओ, मैं एक खास काम के लिए जा रहा हूँ। हाँ? चलो, उसे और उसके खानदान को खत्म कर दूंगा। हे भगवान। इस आरती पर हाथ रखकर सच बताओ, ये बच्चा किसी घर वाले की वजह से है या फिर कोई बाहर वाला जिम्मेदार है? बोलो बोलो, मैं तुमसे कैसे सच पूछूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बताओ मुझे। ओह, अब मैं क्या करूं? आंटी, इसने कुछ बताया क्या? नहीं, ये कुछ नहीं बता रही, अब क्या करें? अब जरूरत नहीं है, बैग लेकर आओ, इसका भाई आया है। हे भगवान।
भगवान ने तुम्हें गुंगा बनाया, ये अच्छा ही किया, वरना तुम्हें भी जवाब देना पड़ता। ये पैसे लो और इसे यहाँ से ले जाओ। कहा ना, चिंता मत करो, मैं जरूर तुम्हें बचा लूंगा। इसे ले जाओ। कहाँ जा रहे हो? पल्लवी भूख से तड़प रही होगी, मैं खाना लेकर आया हूँ। अब वो खाना तुम खुद ही खा लो, उस लड़की को उसका भाई आकर ले गया। क्या? हाँ बेटा, पहले जो उसे आकर ले गया था वही उसका भाई था। किस तरफ गए हैं? नीचे की तरफ से गए हैं। तुम्हारा पति इधर है, चलो। अरे रे। क्यों पल्लवी, तुम खुश हो ना? तुम इतनी जल्दी मेरे पास आ जाओगी ये मैंने कभी सोचा नहीं था। वापस तुमसे मिलके बहुत खुश हुआ। चल, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ो मुझे, मैं जाऊं। चलो, गाड़ी निकालो। छोड़ दो, चलो, छोड़ दो मुझे, मैं जाऊं। बचा ए बड़े पांडे, शक्ति पांडे, पल्लवी का भाई उसे लेकर जा रहा है। पल्लवी को बचाने के लिए चिंटू पांडे उसके पीछे गया है, लगता है कुछ गड़बड़ है, जल्दी चलो मेरे साथ। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे, रुको। छोड़ दो मुझे, मैं जाऊं।
बिना कारण तो इसे वापस नहीं लाए होंगे। इसके बच्चे का बाप कौन है? इसका भाई बोलकर इसे ले जाने वाला इसका भाई नहीं था? मैंने ये तो नहीं पूछा, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। चिंटू पांडे। चिंटू पांडे, मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ, ये मेरी पत्नी है। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम इसे बचाने के लिए ऐसा कह रहे हो ना? अब मारपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इससे सच में शादी की है और इसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा ही है। तुम सब लोगों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। कविता, दरवाजा खोलो। कविता, दरवाजा खोलो। कविता सुनो, जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाना। कविता, दरवाजा खोलो। कविता, मेरी बात सुनो, दरवाजा खोलो। कविता, दरवाजा खोलो। मुझे माफ कर देना, आपके परिवार में मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई है। आज के बाद मेरी वजह से आपके परिवार में कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं जा रही हूँ। रुको, तुम यहाँ से चली जाओगी तो समस्या खत्म हो जाएगी क्या? जब इसने तुमसे शादी करके तुम्हें बच्चे की माँ बना दिया तो ये मेरे दिल में कैसे रह सकता है? मुझसे शादी करने वाला सिर्फ मेरा पति होना चाहिए और तुम्हारा ये पति सिर्फ तुम्हारा ही होना चाहिए। एक लड़की को सिर्फ एक लड़की ही समझ सकती है। चिंटू पांडे, चलो मलिक। कोलम लक्ष्मण वेंकट के खानदान में से हूं मैं, कृष्णन वेंकट। इतना बड़ा नाम है मेरा और मेरी बेटी को देखो, उससे दो गलतियां हुई हैं। एक तो मैंने इस चाय वाले नारायण की बात मानी, दूसरी ये बिना इसके बारे में पता किए मैंने अपनी बेटी का हाथ इसके हाथ में दे दिया। मैंने तो तुझे महारानी की तरह जीने का आशीर्वाद देके भेजा था बेटी, लेकिन तुम सब लोगों ने इसे डॉकरानी बना दिया। चलो बेटी। रुकिए, ये जमींदारन मीनाक्षी माँ हाथ दिखाए तो 8 गांव वाले यहाँ आ जाएंगे। तुम अपनी लड़की को यहाँ से ले जा सकते हो, लेकिन उसके पेट में जो बच्चा है उसे यही छोड़कर जाओ, क्योंकि वो मेरा होने वाला वारिस है। खुश रहे बेटी, खुश खुश रहे। पल्लवी, मैंने जब तुमसे इस बच्चे के पिता का नाम पूछा तो तुमने नहीं बताया, लेकिन मेरे बेटे से ही कबूल करवाया। समझदार है मेरी बहू। हे भगवान, इसे हमेशा खुश रखना, बस मेरी यही प्रार्थना है। दामाद जी, ससुर जी, दामाद जी, मेरे प्यारे ससुर जी, आओ जल्दी मेरे गले लग जाओ। हम दोनों भी केरला चले क्या? क्यों? क्यों? क्योंकि हम वहाँ गए तो शायद हमारी भी वहाँ सुंदर सुंदर लड़कियों से शादी हो जाएगी, है ना?